सीजीपीएससी के दोस्तों परीक्षा को लेकर के बड़ी अपडेट यहां पर सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, कितने पोस्ट खाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाली दो बड़ी वैकेंसी आई थी, जिसमें छात्रावास अध्यक्ष और 300 पदों के लिए भर्तियां होनी है। इसकी परीक्षा कब होगी, कितने अंक का होगा परीक्षा, की कौन से सिलेबस में आएगा, सारी जानकारी यहाँ पर देंगे। और कौन सी परीक्षा के दोस्तों यहाँ पर जो रिजल्ट है वो कब जारी होंगे, सारी जानकारी यहाँ पर देंगे। प्रीलिम्स में कब रिजल्ट आएगा, प्रीलिम्स का सारी जानकारी देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वहीं दोस्तों व्यापम ने जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट की परीक्षा को लेकर के दो बड़े फैसले लिए हैं, क्या है सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक। और प्योर एवं वेटरनरी सर्जन और प्रीलिम्स के दोस्तों रिजल्ट जारी होंगे। और रिजल्ट मंथन की बात करें तो चार परीक्षाओं की दोस्तों यहाँ पर सूची में पीएससी दोस्तों मेंस में कौन सी सेलेक्ट कहाँ, सारी जानकारी यहाँ पर बताएंगे। मार्च का महीना दोस्तों सिर्फ स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं तक ही नहीं रहता, महीनों में दोस्तों अटके भर्तियों की परीक्षाओं के भी नतीजे इसी महीने में जारी होंगे। स्टेट पावर इंजीनियरिंग सर्विस के 85 पोस्ट एवं प्यून के 91 पोस्ट और वेटरनरी असिस्टेंट के सर्जन के 15 और मंडी बोर्ड के 30 यानी कि कुल दोस्तों 221 पोस्ट के दोस्तों फाइनल रिजल्ट व चयन सूची मार्च में जारी होगी। इसी तरह पीएससी प्रीलिम्स की जो नतीजे हैं दोस्तों इसमें से पता चलेगा कि कितने अभ्यर्थी मेंस का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर देख पा रहे राज्य जो अवसर मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों जो चुने जाएंगे वो 3630 अभ्यर्थी चुने जाएंगे। आगे चले यहाँ पर तो बता दें कि जानकारी के मुताबिक दोस्तों यहाँ पर स्टेट पावर इंजीनियरिंग सर्विस की दोस्तों 85 पद के लिए 2021 में दोस्तों वैकेंसियाँ यहाँ पर निकली थी और 2022 में प्रीलिम्स में हुई है। यहाँ पर जो परीक्षाओं में दोस्तों सीजीपीएससी की जानकारी 2024 में लिखित परीक्षा के नतीजे जारी हुए थे, उनमें दोस्तों 250 इंटरव्यू के लिए चयनित किए गए थे और यह साक्षात्कार मार्च में हुआ था, रिजल्ट जारी होंगे। और इसी तरह दोस्तों पीएससी में दोस्तों प्यून भर्ती की वैकेंसी 2022 में निकली थी और लिखित परीक्षा के दोस्तों इमला लेखन की जो परीक्षा थी वो 25 मई को हुई थी। अब तक दोस्तों करीब 9 महीने के बाद ये जो नतीजे हैं सारी जानकारी यहाँ पर हम तो बता रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रीलिम्स की बात करें तो राज्य सेवा या सीजीपीएससी की 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसमें दोस्तों पिछले दिनों मॉडल आंसर उत्तर जारी हो चुके हैं। अब इस महीने दोस्तों प्रीलिम्स में संशोधित मॉडल उत्तर जारी होंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अलावा प्रीलिम्स के रिजल्ट भी घोषित किए जाएंगे, क्योंकि जो नई सरकार है उसके तहत अब दोस्तों रिजल्ट भी बनना चालू हो गया प्रीलिम्स का, ठीक है, जिसमें दोस्तों 3630 अभ्यर्थी का चयन होगा प्रीलिम्स में। और मेंस के लिए दोस्तों यहां पर मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट होंगे और उनमें से दोस्तों 13 14 15 और 16 जून को दोस्तों आयोजित किया जाएगा। और यहां पर पीएससी के दोस्तों 242 पदों के लिए दोस्तों भर्ती होगी, मेंस में 242 इंटरव्यू के बाद 242 यहां पर सेलेक्ट होंगे। मंडी बोर्ड की भी दोस्तों उत्तर मंडल जारी हो चुके हैं, 4 मार्च से दोस्तों पहले छात्रावास अध्यक्ष की जो परीक्षा है दोस्तों यहां पर कब होगी, तो यहां पर जैसे कि अक्टूबर में दोस्तों यहां पर छात्रावास अध्यक्ष दोस्तों अक्टूबर में जारी हुआ था विज्ञापन। दोस्तों परीक्षा जो है वो जुलाई में संभव है, जो परीक्षा होगी दोस्तों यहां पे बता दीजिए जो 300 पदों के लिए वैकेंसियां थी 100 अंक का ये परीक्षा होगा, जिसमें दोस्तों यहां पे देख पा रहे हैं सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाग अ के अंदर कंप्यूटर संबंधित जानकारी होगी और वहीं ये 30 नंबर का प्रश्न होगा और साथ साथ 30 प्रश्न रहेंगे, जिसमें अभ्यर्थी को दोस्तों 50% जो अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भाग ब में दोस्तों हिंदी व्याकरण अंग्रेजी गणित सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटना चक्र खेलकूद देश एवं विदेश छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी एवं बाल मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारी जानकारी है, आवेदन चालू हो चुका है, जाकर के आप लोग भर सकते हैं छात्रावास अध्यक्ष का, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और है कि व्यापम की तरफ से जूनियर असिस्टेंट और की परीक्षाओं के 3 मार्च को और उड़न दस्तक के यहाँ पर गठन कर दिया गया है। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं कि दोस्तों ये 3 मार्च को दोस्तों रविवार को होनी है, ठीक है, परीक्षा, तो उसके 10 बजे 10 से 12 बज के 15 मिनट तक ये चलेगी और दूसरी पाली में 2 बज के 4 बज के 15 मिनट तक चलेगी, ठीक है। तो परीक्षा में सफल आयोजन की नकल प्रकरण को रोकने के लिए दोस्तों उड़न दस्ता का गठन किया गया है, जिसमें देख पा रहे हैं एक बड़ी अपडेट है, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए उड़न दस्ता का यहाँ पर गठन कर दिया गया है और ये 2 पालियों में आपकी परीक्षा होगी। तो इस प्रकार सारी जानकारी थी, आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, समझ आएगा वीडियो तो लाइक करेगा, चैनल पर नए जाओगे सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, धन्यवाद।